नमस्कार दोस्तों, माँ का खजान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए मटर की पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, ये मटर मैंने 3 कटोरी लिया है और इसमें मैं 2 आलू भी डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, खाली मटर की पूड़ी नहीं खाते। अगर आपके यहाँ खाते हो तो आप खाली मटर यूज करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि बनने के बाद अंदर देखिए, थोड़ा सा मैं तोड़ रही हूँ और अंदर दिखाती हूँ आपको कि कितनी ज़्यादा ये हमारी, देखिए आपको दिख रहा होगा, पूरा अंदर से भरी हुई है और देखिए कितनी टेस्टी। तो दोस्तों, आप इस तरह चाहे परेठा बनाइए, चाहे कचौड़ी बनाइए, तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, गैस जला के मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। अब इसमें हम जो है कम से कम 4 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे, या रिफाइंड जो भी आपके पास हो आप उसको डाल लीजिए। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा, मैं हो गया है तो इसमें जीरा डालेंगे, इसमें हींग थोड़ी ज्यादा मात्रा में पड़ जाती है तो मैं आधा चम्मच इसमें हींग डाल रही हूँ। दोस्तों, जो बाजार वाली हींग होती है ज्यादा जो है प्रभाव नहीं छोड़ती, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डालेंगे। अब इसके बाद हरा मिर्चा डालूंगी मैं इसमें, और अदरक डालूंगी, अदरक का फ्लेवर अलग हो जाता है। इसके बाद अगर आपकी हींग दोस्तों खड़ी वाली हो तो आप मात्रा हींग की कम कर सकते हैं, लेकिन ये बाजार में जो पीसी आती है ये हींग ज्यादा फायदा नहीं करती, इससे मात्रा आप इसको बढ़ा के डालिए। इसके बाद दोस्तों जो मटर है वो मटर इसमें हम डाल देंगे। डाल के इसको हम चला देंगे। अब हम इसमें मिर्चा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है 2 चम्मच मैंने नमक डाला है। इसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च डालूंगी मैं, थोड़ा सा आज छोटा 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी। इसके बाद इसमें भुना जीरा डालेंगे आधा चम्मच, और डालने के बाद इसको हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से, हमारा जैसे ये मिक्स हो जाए। अब हम इसको पानी नहीं डालेंगे और ऐसे ही हम इसको ढक देंगे या धीमा कर लेंगे गैस को। चलाते हैं दोस्तों, देखें अच्छे से हमारा मटर और ये दोनों हो गया। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने मिक्सर लिया है, इसको हम इसी तरह करके इस तरह दबा देंगे। इसी में मैंने ये जो है 2 कटोरी आटा लिया है, और इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी और आधा चम्मच जो है इसमें अजवाइन जाएगा। इसके बाद इसमें मैं 2 चम्मच जो है रिफाइंड डाल, मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको हम पानी डाल के आटा ऐसे करके हम आटा सान लेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़ा ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा मैंने अभी किया है। या फिर अगर आपके पास मिक्सर ना हो तो आप मिक्सी में भी इसको पीस के आप इसको महीन कर सकते हैं। और लोइया हम इसको बना लेंगे। इस तरह देखिए, ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे गोल गोल करके, तो ये बीच में आपके गड्ढा तैयार हो जाएगा। और इसमें ज्यादा पूरा ना भरिएगा, नहीं फटने का डर होता है, तो आप बस 1.5 चम्मच से ज्यादा ना भरिए। इस तरह ऐसे करके हम बीच में इसको दबा देंगे तो ये आराम से आपका पूरा, ये देखिए ऐसे पकड़ लीजिए और इस तरह करके आप इसको दबा दीजिए। अब इसके बाद हल्के हाथ से हम इसको दे लेंगे। बहुत पतला दोस्तों ये परीक्षा नहीं बेलता है इसका, तो इस तरह हम करके बहुत टाइट हाथ से नहीं बेलेंगे इसको। और ये करके ये दोस्तों ये देखिए, मैंने तावा किया, अब तावे पे हम इसको डाल देंगे।
तवा मेरा गर्म हो चुका है। गैस को शुरू में तेज रखेंगे और उसके बाद गैस को फिर मीडियम करेंगे। तो हो गया मेरा पेठा, गैस को हम धीमा रखेंगे और इसको हमने पलट दिया है। अब इसमें देखिए थोड़ा तेल लगा देंगे, फिर इसको पलट देंगे और फिर हम देसी घी लगा लीजिए, चाहे रिफाइंड कुछ भी आप लगाते। और इस दोस्तों ये देखिए वो मैंने परेठा बनाया था, अब मैं ये कचौड़ी बना रही हूँ। तो मैंने देखिए इसमें छोटी लोई लेकर के उसी तरह भर के छोटे छोटे बेल लिया है और कढ़ाई में तेल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसकी कचौड़ी बनाऊँगी। चाहे आप परेठा बना के खाइए चाहे कचौड़ी बना के खाइए, दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों। एक बार इस तरह मेरी तरह बना करके आप खाइए, देखिए। मेरी माँ ये बहुत बनाती थी, जाड़ा आता था तो हम लोग इसको तुरंत कहते थे कि बनाओ। अब उनके हाथों का बना बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। दोस्तों हो गया है, दूसरी तरफ इसको हम पलट के दोनों तरफ अच्छे से हम इसको ऐसे चला चला के पकाएंगे। देखिए दोस्तों देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल बाहर निकलता नहीं। आप पूरन थोड़ा कम भरिए, एकदम गोल गोल आपकी कचौड़ी बनके तैयार होगी। इसी तरह और कचौड़ी का दोस्तों देखिए बन गया। अब इसको हम निकाल लेंगे, आपको पास से दिखाते हैं। देखिए कितनी फूली फूली बन के हमारी ये कचौड़ी तैयार हुई है। और मटर की कचौड़ी देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगती खाने में। इस तरह हम निकाल लेंगे और बाकी जो हमने और बनाई है उसको इसी तरह हम डाल के सारी कचौड़ी ऐसे बना लेंगे। दोस्तों ये देखिए कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी खस्ता कचौड़ी बनी है, आप देख सकते हैं कि फूली फूली है। और आप चाहें तो आप परेठा बना के भी खिला सकते हैं अपने फैमिली को। तो दोस्तों अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और माँ के खजाना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।